एक्ट्रेस चारू सोपा और राजवीर सैन के घर हाल ही में खुशियों ने दस्तक दी है। चारू ने दिवाली के कुछ ही दिनों पहले एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। वहीं अब न्यूली पेरेंट चारू और राजवीर ने अपनी लाडली बेटी के नाम की घोषणा भी कर दी है। आपको बता दें, चारू सोपा और सुष्मिता सैन के भाई राजीव ने 1 नवंबर 2021 को बेटी का स्वागत किया। राजीव ने अपनी पत्नी चारू और बेटी के साथ डिलीवरी के बाद की कुछ प्यारी सी तस्वीरें भी पोस्ट की थी और लिखा था, एक बच्ची का आशीर्वाद, चारू ठीक और फिट है, अंत तक मजबूत होने के लिए मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है, आपकी प्रार्थनाओं के लिए आप सभी का धन्यवाद, भगवान का शुक्र है। वहीं सुष्मिता सेन ने भी अपनी बुआ बनने की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की थी और बताया था कि दिवाली के पहले उनके घर लक्ष्मी आई है। वहीं अब इस कपल ने अपनी बेटी का नाम का खुलासा कर दिया है। आज 13 नवंबर 2021 को चारू और राजवीर ने अपनी बेटी के लिए नामकरण की पूजा रखी थी। कपल ने अपनी बेटी का नाम जियाना सैन रखा है और साथ ही बताया है कि उनकी बेटी का नाम उनकी भांजी यानी सुष्मिता सैन की बेटी अलीशा ने रखा है। नामकरण पूजा के दौरान की कई तस्वीरें कपल ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिनमें उनकी नन्ही से राजकुमारी पिंक कलर के ब्लैंकेट में लपटी हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी तक बेटी का चेहरा नहीं दिखाया है। अपने प्रेगनेंसी पीरियड को भी काफी एंजॉय किया। अपने मैटरनिटी फोटोशूट और बेबी शावर की भी कई खूबसूरत सी तस्वीरें पोस्ट की थी। चारू और राजीव ने 2019 में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी, लेकिन उनके हैप्पी मैरिड लाइफ में कुछ गलत फहमियों ने जगह ले ली थी, जिसके बाद 2020 में उनके रिश्ते काफी बिगड़ गए थे और दोनों अलग अलग रहने लगे थे। लेकिन आपसी समझदारी से काम लेते हुए उन्होंने अपने रिश्ते को दूसरा मौका दिया और अब अपनी बेटी जियाना के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको कपल की बेटी का नाम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।